दोस्तों उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन यानी कि टूरिस्ट शहर है, जिसको झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। उदयपुर शहर चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इस शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इस शहर में घूमने के लिए कई प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो इसको भारत का एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो द्वारा अपनी उदयपुर सिटी की 2 दिन और 2 रात की यात्रा को एक्सप्लोर करूंगी। हम उदयपुर शहर की अपनी यात्रा ट्रेन से पूरी करेंगे। आज हम दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आए हैं और मेवाड़ एक्सप्रेस से उदयपुर शहर जाएंगे। तो चलिए हम अपनी उदयपुर की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में आप सुंदर जगहों के नज़ारे ले सकते हैं। अभी रात के लगभग 4:30 हुए हैं और हमारी ट्रेन इस समय चित्तौड़गढ़ जिले से गुजर रही है। हमारी ट्रेन अभी कुछ ही समय में उदयपुर शहर पहुंच जाएगी। हमारी ट्रेन सुबह 7:15 पर उदयपुर शहर पहुंच चुकी है। हमने एडवांस में ही होटल द्वारा एक टैक्सी को बुक कर दिया था, जो हमको लेने समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। अब सबसे पहले हम अपने होटल जाएंगे। होटल में हम फ्रेश होने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर हम उदयपुर शहर को घूमेंगे निकलेंगे। Day 1 हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन पॉइंट था सिटी पैलेस, जो उदयपुर सिटी के सेंटर में मौजूद है। इसको घूमने के लिए आपको देने होते हैं ₹300 एंट्री फीस एक व्यक्ति के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ ₹100 एंट्री फीस देनी होती है। इस पूरे महल को घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। आप जैसे ही पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको उदयपुर की पिछोला लेक का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इस पैलेस को घूमने के लिए आप ₹300 में एक गाइड ले सकते हैं, जो पैलेस के सभी जगह पर लेकर जाएगा और आपको इस महल का पूरा इतिहास बताएगा। हम अपनी इस वीडियो में इस खास के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस जगह पर आकार घूमने और उसका इतिहास जानने का अलग मजा है। तो आप यहां पर आएं और इस जगह के इतिहास के बारे में जानें। सिटी पैलेस उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और एक प्रसिद्ध विवाह स्थल भी है, जो उदयपुर में वास्तुकला का एक चमत्कार है। इस पैलेस का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में करवाया गया था और 1960 के दशक में इसको एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया है। जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर सिटी के सिटी पैलेस परिसर में ही बना हुआ एक बहुत ही आकर्षक मंदिर है, जो भगवान विष्णु के समर्पण में बनवाया गया है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी, कई आकर्षक मूर्तियां हैं। यहां का शांति भरा माहौल पर्यटकों और तीर्थयात्रियों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जो भी इंसान एक बार इस मंदिर में आता, वो इसकी सुंदरता, वास्तुकला और भव्यता को देखकर आकर्षित हो जाता है। पिछोला झील में बोटिंग करने के लिए आप टिकट सिटी पैलेस से भी खरीद सकते हैं और पिछोला झील के टिकट विंडो से भी ले सकते हैं। पिछोला झील उदयपुर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। यह झील यहाँ आने वाले यात्रियों को अपनी सुंदरता और वातावरण से आकर्षित करती है। बड़ी पहाड़ों, इमारतों और स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांतिप्रिय लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। उदयपुर के इस पर्यटन स्थल पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। शाम के समय यह जगह सुनहरे रंग में डूबी हुई दिखाई देती है। पिछोला लेक परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस झील में नौक बिहार बोटिंग का मजा लेना न भूलें।
माता का मंदिर रोपवे द्वारा। करनी माता का रोपवे उदयपुर शहर का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। करनी माता का मंदिर मचाला हिल के टॉप पर है और इस मंदिर तक केबल कार द्वारा या पैदल चलकर भी जा सकते हैं। केबल कार के लिए आपको लगभग पर हेड 120 रुपये देने होते हैं और अगर आप प्राइवेट कैबिन बुक करते हैं तो आपको 4 लोगों के लिए 600 रुपये और 8 लोगों के लिए 850 रुपये देने होते हैं। रोपवे का सफर लगभग 8 से 10 मिनट्स का होता है और 10 से 15 मिनट्स वेटिंग टाइम होता है। ये टाइम सीजन में ज्यादा हो सकता है। केबल कार और मंदिर के टर्फ पर से आप उदयपुर शहर का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। इस जगह पर आपको लगभग 1.5 तो 2 घंटे का समय लगता है। ये जगह सिटी स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आप इस स्थान पर टैक्सी, बस और ऑटो द्वारा आ सकते हैं। बागौर की हवेली। बागौर की हवेली पिछोला झील के पास स्थित उदयपुर में देखने लायक जगह में से एक है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही दरबार में मुख्यमंत्री अमीर चंद बड़वा द्वारा किया गया था। इसके बाद यह हवेली वर्ष 1878 में बागौर के महाराणा शक्ति सिंह का निवास स्थान बन गई, जिसकी वजह से इसका नाम बागौर की हवेली पड़ा। इस हवेली को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जो मेवाड़ की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यहाँ के एंटीक संग्रह में राजपूतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान जैसे कि आभूषण, बक्से, हाथ के पंखे, तांबे के बर्तन शामिल हैं। जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इस स्थान को बागौर की हवेली के नाम से जाना जाता है। तो आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला कार्यक्रम है चरी नृत्य। चरी नृत्य को इस स्थान पर लोक कला का एक शो होता है, जिसको देखने के लिए 90 रुपए का टिकट लगता है और ये शो शाम के वक्त 6:30 पर स्टार्ट होता है। इस विशाल संरचना में 100 से अधिक कमरे हैं और यह अपनी वास्तुकला की अनूठी शैली के साथ शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए जरूर जाएं। दूसरा दिन, सहेलियों की बारी। सहेलियों की बारी का निर्माण महाराज संग्राम सिंह के द्वारा अपनी रानी और उनकी सहेलियों को उपहार के रूप में करवाया गया था। राजा ने स्वयं इस बगीचे को डिजाइन किया और इसे एक आरामदायक जगह बनाने का प्रयास किया, जहां रानी अपने 48 सहेलियों के साथ आराम कर सकती थी। इस गार्डन में प्रवेश करते ही आपको वेलकम फाउंटेन मिलते हैं। यह गार्डन आज भी कई मायनों में अपने उद्देश्य को पूरा करता है। इसके दूसरे दरवाजे को पार करके आपको बिन बादल बरसात नाम से एक फाउंटेन मिलता है। इस जगह पर आपको हमेशा बारिश जैसा महसूस होता है। शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोग इस स्थान पर आते हैं। यह उदयपुर में घूमने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक है। शिल्पराम। शिल्पराम लगभग 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ स्थान है। राजस्थान की पारंपरिक ग्रामीण और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने इस स्थान को अरावली पर्वतमाला की गोद में एक शिल्पराम नाम से निर्माण कराया है। यह स्थान कई ग्रामीण कारीगरों को रोजगार देता है और कई सांस्कृतिक त्योहारों का एक केंद्र है, जो इस स्थान पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
अगर आप ग्रामीण जीवन की सादगी का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार शिल्पग्राम को देखने के लिए जरूर जाएं। अगर उदयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको एक बार उदयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल शिल्पग्राम की सैर जरूर करना चाहिए। इसमें प्रवेश का रहने के लिए आपको 20 रुपए प्रति व्यक्ति देने होते हैं। लॉन्ग में भी आपको देखो ऐसा चेन वाला हर जगह मिलेगा। सब जगह आपने देखा होगा, हमने बनाया बाय थ्रेड। यहाँ पर आप हॉर्स और कैमल राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। और ये एडजस्टेबल भी है, इसको आप पकड़ खींचेंगे ना ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको वापस पकड़ खींचिए छोटा हो जाएगा, अपन एडजस्ट कर सकते हैं। सज्जनगढ़ का किला या मानसून पैलेस। मानसून पैलेस को सज्जनगढ़ का किला भी बोलते हैं। इसका नाम महाराज सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा है। महाराज सज्जन सिंह ने इस किला का निर्माण 1884 में करना शुरू किया था। उनकी मृत्यु 1884 में ही हो गई थी। फिर इस किले का निर्माण महाराजा फतेह सिंह जी ने कराया था। ये किला बंसद्रा की चोटी पर बना है जो अरावली हिल्स के अंदर आती है। ये पैलेस उदयपुर सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले से उदयपुर सिटी को चारों ओर से देखा जा सकता है। इसकी चोटी से फतेह सागर लेक और शहर का पूरा व्यू देखा जा सकता है और जो काफी सुंदर दिखता है। इस किले से मानसून पर नजर रखा जाता था, इसलिए भी इसका नाम मानसून पलके पड़ा है। सज्जनगढ़ का किला समुद्र तट से करीब 944 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस जगह पर जाने के लिए आपको 70 रुपए का टिकट लेना होता है। फतेह सागर लेक एक मानव निर्मित लेक है और ये उदयपुर सिटी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसी लेक के पास एक फिश एक्वेरियम भी है और इस जगह पर आप काफी एंजॉय करेंगे। इस फिश एक्वेरियम में एक व्यक्ति का एंट्री फीस 120 रुपए है। इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय लगता है।
अगर आप उदयपुर सिटी में आते हैं और आप उदयपुर सिटी का लोकल खाना नहीं खाते हैं, तो फिर आपकी उदयपुर शहर की यात्रा बेकार जाती है। उदयपुर सिटी में आकर आप यहाँ की दाल बाटी चूरमा जरूर खाइएगा। उदयपुर शहर में रेलवे स्टेशन की नजदीक नटराज होटल है, जिसका दाल बाटी चूरमा पूरे उदयपुर में फेमस है। तो अगर आप उदयपुर सिटी आते हैं तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा जरूर ट्राई कीजिएगा।